हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल प्यार का तड़का में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, इससे मेरा आने वाला हर वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज बनाएंगे बहुत ही हेल्दी ओट्स चिड़वा नमकीन, जो बहुत ही टेस्टी लगती है और फटाफट बन जाती है। ये देखिए, मैंने 2 कप रोल्ड ओट्स लिए हैं। अगर आप इंस्टेंट ओट्स यूज़ कर रहे हैं तो उनको छान लें, नीचे से जो ज़्यादा बारीक बारीक होता है वो हटा दें और उसमें से मोटा मोटा सा रखें। अब इनको स्लो गैस पे 7-8 मिनट के लिए भून लेंगे, लगातार चलाते रहेंगे। ओट्स को भूनते हुए 8 मिनट हो गए हैं और ये देखिए, इसका कलर गोल्डन ब्राउन सा हो गया है। अब इसको एक बोल में निकाल देंगे। अगर आप इंस्टेंट ओट्स ले रहे हैं तो वो 2-3 मिनट में ही भून जाते हैं, उनको इतनी देर तक नहीं भूने। ये देखिए, 2 कप मैंने ये पतले वाला चिड़वा लिया है, जो पतले वाला चिड़वा होता है वो ही लेना है। इसको भी स्लो गैस पे भूनेंगे, लगातार चलाते रहेंगे, नीचे से जले नहीं। चिड़वा जैसे जैसे भुनने लगता है ये ऐसे श्रिंक सा होने लगता है। इसको भूनने में 3-4 मिनट ही लगते हैं। गैस के फ्लेम को एकदम स्लो रखें। चिड़वे में भी कभी कभी बहुत पाउडर जैसा होता है, अगर उसमें पाउडर है तो उसको भी मोटी छन्नी से छान लें, पाउडर अलग कर दें और मोटा मोटा चिड़वा ले लें। चिड़वा भी भुन गया है, इसको भी सेम बोल में निकाल देंगे। 1 कप मखाने लिए हैं, इनको भी ड्राई रोस्ट ही करेंगे। मखानों का कलर देखिए चेंज हो गया है। मखानों को आप हाथ से फोड़ के भी देख सकते हैं, भुन जाते हैं तो एकदम हाथ से फूट जाते हैं। इनको भी निकाल देंगे। नमकीन को बनाने में मैं एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं या देसी घी या कोई भी अपनी पसंद का ऑयल ले सकते हैं। 3 टेबलस्पून इसमें एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल डाल रही हूँ, जो बहुत ही हेल्दी होता है। अब इसमें 1 टीस्पून राई डालेंगे, 1 टीस्पून जीरा डालेंगे, 1 टीस्पून सौंफ डालेंगे, 1/2 कप कच्ची मूंगफली है ये इसमें डालेंगे। ये देखिए, मूंगफली चटकने लग गई है। अब इसमें 1/2 कप बादाम डालेंगे, थोड़े से कड़ी पत्ते डालेंगे, 1/2 कप इसमें काजू डालेंगे। नट्स आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, 2 हरी मिर्ची को मैंने बीज निकाल के लंबा लंबा काटा है, ये इसमें डालेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी डालेंगे, 1/4 कप मेलन सीड्स डालेंगे, 1/4 कप पम्पकिन सीड्स डालेंगे, 1/4 कप सनफ्लावर सीड्स डालेंगे, 1/4 कप भुने हुए चने डालेंगे, देखिए छिलका निकाल दिया है, 2 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड्स डालेंगे, 1/4 कप बारीक कटा हुआ, ये देखिए इस तरीके से जूलियंस में नारियल डालेंगे सूखा। ये देखिए, 1/2 कप मैं इसमें क्रैनबेरीज डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो किशमिश भी डाल सकते हैं, ब्लैक या ग्रीन जो भी आपको पसंद हो। सभी नट्स भुन गए हैं। अब जो हमने ड्राई ओट्स और चुड़वा भुना था वो इसमें ऐड करेंगे। गैस के फ्लेम को एक बार बंद कर दूंगी और अपने ड्राई मसाले इसमें ऐड करेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें काला नमक डालेंगे, 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी डालेंगे, 1 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे, 1/2 टीस्पून काली मिर्ची पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची डालेंगे, 1 टीस्पून लेमन सॉल्ट डालेंगे, जो नमकीन को खट्टा फ्लेवर देगा। इसकी जगह आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अब सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। गैस के फ्लेम को वापस ऑन कर लेंगे और स्लो पे रखेंगे, हल्के हल्के हाथ से सबको मिला लेंगे। इसी तरह स्लो गैस पे इसको 4-5 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि
पूरे नमकीन में सब मसाले अच्छी तरह से मिल जाएंगे। नमकीन को भूनते हुए 4 मिनट हो गए हैं, गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। 1 मिनट के लिए इसको बंद गैस में ही चला देंगे कि नीचे से लगे नहीं। ये एक बहुत ही हेल्दी स्नैक्स है, चाय के साथ या छोटी छोटी भूख में ये नमकीन खाइए, बहुत ही हेल्दी है। लीजिए, बनके तैयार है हमारा टेस्टी टेस्टी हेल्दी ओट्स जुड़वा नमकीन। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसको प्यार से बनाइए, प्यार से खिलाइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।